दोस्तों जैसे कि आप जान हम लोग टाइम एंड वर्क 5 मिनट को सीरीज कर रहे हैं, तो अभी हम एक तक 11 सेशन कर लिए हैं, ये हमारा 12 सेशन है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग अभी तक 55 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारा 56 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपना फिजिक्स क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग शुरुआत में ए वर्क एट अ रेट such that he can finish a piece of work in 32 days, मतलब ये इतने गति में काम करता है, इतने इफिशिएंसी एक ही है कि वो काम को फिनिश में पूरा कर पाता है तो 32 दिन में। उसके अपर्ट ही ओनली वर्क एट दिस रेट फॉर 20 डेज, लेकिन वो उतना ही रेट में करता है, कितना 20 दिन तक में उतना ही गति में कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर दैट उसके बाद ही वर्क एट अ रेट such that he can do the whole work in 24 days। अब उसके बाद वो है जो 20 दिन तक ही इतना दिन काम कर पाता है कि पूरा वर्क को जो 32 दिन में काम को पूरा कर पाए उतना ही रेट में करता है। उसके 20 दिन के बाद आफ्टर दैट ही वर्क एट अ रेट सच दैट ही कैन डू द होल वर्क इन 24 डेज। उसके बाद वो गति को अपना कितना कर लेता है कि पूरा वर्क है जो 24 दिन में समाप्त हो पाए। तो फ्रेंड्स यहां पे इफिशिएंसी को पता नहीं है कितना गति है, इफिशिएंसी गति को निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है कि ए इज टू फिनिश दिस वर्क, यानी ए को काम को समाप्त करना होगा at a stage how many days we need to take to finish the work, ये है वो कितना दिन लगेगा पूरे काम को समाप्त करने में। तो फ्रेंड्स यहां क्या देख रहे हैं, ए वर्क एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश द वर्क इन 32 डेज, मतलब ए है जो कितना दिन लेता है अकेला काम करने को 32 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बोल रहा है कि 20 दिन है जो अपने सेम गति से काम करता है, उसके बाद गति को चेंज कर देता है, चेंज करता है तो गति चेंज करता है तो कितना वो गति तो नहीं दिया हुआ लेकिन दिया हुआ कितना गति चेंज करता है कि अकेला वो अगर काम कर पाए उसको फिर से तो कितना नहीं लगता है 24 दिन में। ए को मान लिए 32 32 दे ए हो गया और A1 मान लेते हैं, पहला दिया है केस A1 अगर उतना गति चलेगा तो 32 32 दे देगा, और दूसरा लेते हैं A2 तो दिया हुआ कितना दे देगा तो 24 दे देगा, 24 दे दूसरा गति चलेगा कितना दे देगा 24 दे। तो पहला काम क्या था कि इफिशिएंसी निकालना, इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे टोटल वर्क में पता होगा तब तो निकाल पाएंगे। टोटल वर्क कितना होगा 32 और 24 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा तो हमें 96, 32 का हम लोग क्या लेते हैं 32 का हम मल्टीपल लेते हैं, 32 का देखते हैं 32 32 दूनी 64 32 किया 96, तो 96 हम देखते हैं कि 32 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है तो कितना हो गया है इसका टोटल वर्क और एलसीएम 96 हो गया टोटल वर्क। दूसरा काम क्या था इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी तो इफिशिएंसी तो गति है तो इफिशिएंसी तो कितना आ गया टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, इफिशिएंसी का कितना आ गया 3 आ गया, ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो फ्रेंड्स यहां A2 का आप देख रहे हैं A1 का एफिशिएंसी 3 आ गया और A2 का कितना आ रहा है तो 96 टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, 96 डिवाइड बाय 24 डे तो कितना आ गया 4, तो 4 आ गया। तो कितना आ गया फ्रेंड्स A1 का एफिशिएंसी 3 और A2 का एफिशिएंसी 4, मतलब कि A1 है जो हर दिन 3 काम कर पा रहा है और A2 है जो हर दिन 4 काम कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां क्या हो रहा था कि जो A1 है A work at the rate such that he can finish a piece of work in 32 days, but he only work at this rate for 20 days. मतलब 20 days ही तक इस rate में काम कर पाता है, हर दिन तीन काम कितना कर पाता है 20 दिन तक, यानी total work को निकाल पाए A1 का तो कितना बताएगा total work इसका A1 का, तो total work A1 का तो कितना बताएगा total days into efficiency, total days into efficiency तो total work होता है तो कितना बताएगा टोटल डे कितना कर पाता है 20 डे, एफिशिएंसी कितना आ गया तो 3, तो 3 तो मतलब कि 60 काम कर लिया है, 60 वर्क है जो A1 कंप्लीट कर दिया उसका एफिशिएंसी चेंज कर देता है, तब तो हम A2 लिए हैं एफिशिएंसी चेंज कर देता है कितना हो गया एफिशिएंसी इसका 4 हो गया एफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क कितना है फ्रेंड्स, तो रिमेनिंग वर्क निकालते हैं कैसे निकालेंगे टोटल वर्क माइनस जो A1 कर लिया है, A1 तो 60 वर्क कर लिया है टोटल वर्क 96 है तो 96 माइनस 60 तो कितना हो गया 36, 36 है जो रिमेनिंग वर्क है तो अपना गति चेंज करता है तो कितना एफिशिएंसी करता है अब 4 एफिशिएंसी करता है। तो कितना अगर डेज आपको निकालना है एफिशिएंसी दिया हुआ है टोटल वर्क अगर डेज निकालना है तो कैसे होगा टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है रिमेनिंग 36 और एफिशिएंसी कितना है 8 का
चार डिवाइड बाय चार यानी कितना दिन रहेगा, नाइन डे। नाइन डे हो गया फ्रेंड। तो हमें पूछ रहा है कि ए है जो कितना टाइम ले रहा है, ए कितना टाइम ले रहा है, ए है जो कितना टाइम ले रहा है। ए वन ए टू के टोटल दोनों देख ही आ रही है, केस वन में ए वन हो गया, केस टू में ए टू लोग ले लिए समझने के लिए। ए है जो एलोन कितना काम कर रहा है, यहाँ कितना दिन लिया, यहाँ बीस दिन, अकेला बीस दिन है जो A1 efficiency ले रहा था 20 दिन, और दूसरा है जो अपना efficiency rate change कर रहा था, हम लोग A2 मार लिए हैं, तो A कितना हो गया friends, A हो गया आपका 20 days plus 9 days, तो friends कितना हो गया total 29 days आपका answer हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपको समझ आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 57 क्वेश्चन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो लिखा हुआ है 40 में 40 आदमी हैं, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, मतलब 40 आदमी हैं तो कितना दिन में काम कर पाते हैं, 40 दिन में काम को समाप्त कर पाते हैं। उसका दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वे लोग काम को स्टार्ट करते हैं, बट एट द एंड ऑफ Every 10 day, और प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 men left the job, 5 आदमी है जो जॉब को छोड़ देता है। The work would have completed in the work है जो कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान एक बात जान लीजिए, अगर आदमी है और दिया हुआ है डे, तो जब आदमी का नंबर मैन नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डे, ये हमारा शो करेगा आपको टोटल वर्क को, या टोटल वर्क को शो करेगा, क्या करेगा, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डे, ये हमारा शो करेगा टोटल वर्क को। यहां से कीजिए आप नोट डाउन कीजिए, टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू टोटल नंबर ऑफ डे दिया हुआ 40 इनटू डे, ये हमारा क्या शो करेगा, तो टोटल वर्क को शो करेगा, टोटल वर्क को शो करेगा, तो टोटल वर्क ये हो गया। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मैन इनटू डे इक्वल टू क्या, टोटल वर्क। तो फ्रेंड्स यहां हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितना आदमी दिया हुआ है, 40 आदमी दिया हुआ है, तो 40 मैन इनटू डे कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, डे 40 दिया हुआ है, यानी 40 की है, 14 टू 40 की है, तो कितना आ गया 1600 हो गया 1600, यह क्या हमारा आ गया, ये हमारा आ गया आपको टोटल वर्क आ गया, यहां टी डब्ल्यू जनरेट कर दिया इसको टोटल वर्क। उससे बोल रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वे लोग हैं जो काम को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, बट एट द एंड ऑफ एवरी 10 डे, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 men left the job, 5 आदमी क्या करता है, जॉब को छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक 10 दिन के बाद, यहां डे, यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको डे, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, उसके बाद क्या किया फ्रेंड, नीचे आपको आ जाएगा टोटल वर्क, क्या हो रहा है कि हरेक 10 दिन के बाद कितना आदमी काम को छोड़ देता है, 5 men left the job, कितना 10 एवरी 10 डे, हरेक 10 दिन के बाद 5 men left the job, 5 आदमी जो काम को छोड़ के चला जाता है। तो यहां हम कितना दिए डे, यहां 10 ले रहे हैं ठीक है, और टोटल वर्क आ गया 1600, 10 दिए हम, टोटल में कितना हो गया फ्रेंड्स 40, तो 40 हो गया, तो कितना हो गया अब टोटल वर्क कितना निकल गया, कितना वर्क निकल गया तो 400 हो गया ना टोटल वर्क, डे इनटू टोटल नंबर ऑफ मैन को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया टोटल वर्क 400। अब 10 दिन तो हो गया और 400 का कंप्लीट हो गया, तो अब कितना रिमेनिंग था, मैन कितना हो गया, तो देखिए 400 हो गया आपको 1600 लाना है ठीक है, 400 हो गया। अब उसके बाद अगला 10 दिन 10 दिन और हो गया, तो 5 घटेगा क्योंकि हो रहा है क्वेश्चन में कितना, एवरी 10 डे 5 men left the work, अब कितना हो गया 35, तो 35 हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल men into टोटल डे कितना हो जाएगा 35 into 10 350,
तो 350, तो 350 यहां हो गया, हम लोग यहां लिख देते हैं 350। उसके बाद कितना हो गया, तो अभी कितना हो गया फ्रेंड्स 057, देने के 785 है, तो और आगे बढ़ेंगे 10 दिन, 10 दिन हो जाएगा तो फिर 5 घटेगा, 5 घटेगा 35 में कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो गया, तो कितना हो गया फ्रेंड्स टोटल, टोटल मैन इनटू टोटल डे, मैन 10 है सॉरी टोटल, टोटल मैन इनटू टोटल डे, तो मैन कितना है 10 सॉरी 30 है और डे कितना है 10 हुआ, तो 300 आ गया, तो 300 आ गया, तो 300 और जोड़ दिए तो कितना आ गया 0510, यानी अभी 1085 है, तो 1050 ही आया है, तो फिर 10 दिन और, तो फिर 10 दिन और किए तो कितना हो गया 30 मैन का, तो 5 घटा तो 25 हो गया, तो 25 हो गया, तो अब कितना हो गया टोटल, टोटल वर्क टोटल मैन इनटू डे कितना हो गया 250, तो 250 हम किए फिर जोड़ रहे हैं 250, तो कितना हो गया फ्रेंड 0510 अभी 2300 है और कितना 1600 लाना है हमें, और फिर हम 10 किए 10 दिन, तो 10 दिन किए कितना हो गया फ्रेंड्स, अब 25 का वर्क टोटल मैन का, 5 घटेगा तो 20 आएगा, तो 20 किए तो कितना आ गया 200, 20 के कितना आ गया 200, देखिए यहां कितना आ गया 1300 आ गया था और 200 और, यानी 1500, 1500 और आ गया, उसके बाद कितना और कितना करेंगे, कितना रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है आपको 100 और वर्क करना है, 100 वर्क और करना है, 100 वर्क और करना है, कितना आपको करना है 100 वर्क और करना है, कितना आदमी हो जाएगा 15, 100 वर्क और करना है लेकिन 15 ही आदमी चाहिए, 100 वर्क और करना है लेकिन 15 आदमी कितना नहीं कर पाएगा, तो 15 100 वर्क देखिए 1500 आ गया, 1500 तो आ गया यहां तक, 1500 आ गया, अब करना है हमको 100 वर्क और, लेकिन आदमी कितना है, आदमी है 15, तो डेट आ जाएगा 100 वर्क का है आपको बचा हुआ और 100 वर्क यहां बचा हुआ है, आदमी तो 15 है, तो इधर डेट हमको निकालना है, डेट निकालना है क्योंकि टोटल डेट तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो 50 है ना, 15 * 10 करेंगे तो ये तो 50 का ज्यादा आ जाएगा, हमें कितना करना है 10, कितना करना है हमें 100 ही काम करना है, 50 तो फिर हम 10 में ट्राई कर देंगे, हमें 100 ही काम करना है, हमको डेट निकालना है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल मैन, टोटल वर्क कितना है 100, 100 लाना है इसको, और कितना आदमी है 15 ही आदमी है, तो कितना आ जाएगा 1590, 1590 और 90 और 10, 90 10 कितना 100 हो जाता है, उसके बाद इसको काट लेंगे 5 * 10 5 * 15 यानी डेट आ गया आपको, ये आ गया आपका डेट आ गया, कितना आ गया 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 आ गया, तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, डेज कुछ रहना हाउ में देन द गुड वर्क वर्क कंप्लीटेड, कितना दिन में काम पूरा हो पाएगा, तो कितना डेज आ गया 10 10 10 20 30 40 50 और 50 प्लस 6 होल 2/3, 2/3 तो टोटल डेज कितना आ गया 56 होल 2/3 डेज आंसर, तो फ्रेंड्स 56 और 2/3 आ गया, देखिए 10 10 20 30 40 50 50 प्लस 6 56 56 होल 2/3 डेज, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 अब उत्पन्न आ गया होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, तो क्या लिखा दोस्तों, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए है जो अकेला कितने काम को कर पाता है 10 दिन में, एंड बी कैन इन 15 डेज, और बी है जो 15 दिन में, तो इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली और वो अल्टरनेट दिन में काम करते हैं कौन, ए और बी, इन हाउ मेनी डेज द वर्क बी फिनिश, वर्क है जो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, इफ ए बिगिन द वर्क, यदि ए काम को शुरू करे, तो फ्रेंड कौन काम कर रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, तो प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन किए थे, तो क्या बोल रहा है पहला दिन ए करेगा क्योंकि ए बिगिन द वर्क, पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन कौन बी, फिर तीसरा दिन कौन ए, चौथा दिन बी, चौथा दिन कौन बी, जब तक काम को काम समाप्त न हो जाए, तो फ्रेंड्स यहां कौन ए बी देख रहे हैं, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, तो यहां देख रहे हैं कि ए है जो बिना में काम कर पा रहा है अकेले, अकेले में 10 दिन, कितना दिन 10 दिन, और बी है जो कितना 15 डे 15, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा फ्रेंड 30, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30, कैसे क्योंकि एलसीएम लेना 10 और 15 का कितना आ जाएगा 30, टोटल वर्क आ गया 30, दूसरा काम
30 और कितना है डेज 10, तो कितना एफिशिएंसी आ गया 3। उसके बाद फिर बी का निकाला एफिशिएंसी 30/15 कितना आ गया 2। तो अब देख रहे हैं कि 3 और 2 बढ़ा कितने दिन में आ रहा है। ए है जो पहला दिन काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरा दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी। मतलब यहां पे तो रिपीट हो रहा है, यहां रिपीट हो रहा है। मतलब देख रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 का, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 का। यहां देख रहे हैं 2 दिन में काम कितना हो रहा है 5, यहां लिख देते हैं 2 डेज में कितना काम हो रहा है 5। हमें काम कितना करना है 30, तो हम लोग यहां पे कितना मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए या 30 से कम आए। पहले हम लोग अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग ले लेंगे उसको डायरेक्ट काट लेंगे, तो कितना आएगा 30 कितना आएगा 5 × 6, तो 5 × 6 आ गया, तो 6 आ गया तो बढ़ 30, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 6, यानी कितना दिन में 12 दिन में आपका कितना 12 दिन में आपका कितना हो जाएगा काम 30 काम हो जाएगा, यानी 30 वर्क 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आंसर कितना आया, आंसर आया आपका 12 दिन 12 डेज आंसर। दोनों मिलकर काम को कितना दिन पूरा कर पाएंगे 12 दिन में। देखिए फ्रेंड्स यहां पर 2 दिन में कितना, दोनों मिलकर 5 दिन में हमें काम कितना करना है 30, तो 5 × 6 = 30, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 58 समझ में आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए है जो कितने दिन में काम को पूरा कर पाता है 12 दिन में, और बी एंड डी इन 14 डेज रिस्पेक्टिवली, और बी है जो 14 डेज में काम को पूरा कर पाता है। ए है जो 12 दिन में काम को पूरा कर पाता है, और बी है जो 14 डेज में काम को पूरा कर पाता है। तो फ्रेंड्स इफ दे वर्क फॉर अ डे कंटिन्यूअसली, यदि वे लोग 100 डेज में काम करते हैं, how many days the work will be finished, तो work का जो कितने दिन में काम को काम पूरा हो जाएगा। alternate days में कौन करता है, A और B, उसका if A begins the work, यदि A है जो काम को शुरुआत करता है, तो क्या यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहला दिन कौन आएगा, दूसरा दिन कौन आएगा, तीसरा दिन चौथा दिन। पहला दिन कौन आएगा, पहला दिन A आएगा, दूसरा दिन कौन आएगा B आएगा, फिर तीसरा दिन A आएगा, फिर चौथा दिन B आएगा। यहाँ alternate days वाला क्वेश्चन है, जो previous वाला क्वेश्चन के थे के ही जैसा एक ही क्वेश्चन है। तो हम लोग कितने क्या करेंगे, ए है जो कितना दिन में मेरा काम कर पाता है 12 दिन में, तो 12 दिन, और बी है जो कितना दिन में काम कर पाता है तो 14 डेज में। तो सबसे पहला काम क्या था, आपको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 12-14 एलसीएम, तो कितना हो गया फ्रेंड, कितना हो गया 12-14 एलसीएम, तो 14 × 14 = 14 × 28 = 42 यानी 84 हो गया इसका आपका टोटल वर्क, 5 × 5 = 84। अब एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, तो 84 / 12 कितना आ जाएगा 7, एफिशिएंसी कितना आ गया इसका 7 आ गया, और बी का टोटल कितना आ गया 48 × 84 / 14, तो 14 × 14 = 84 यानी 6, तो 7 और 6 एफिशिएंसी आ गया। यानी पहला दिन ये काम करा, दिन कितना काम करा 7 दिन, 7 काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, यानी दो दिन में फिर तो यहाँ देखेंगे 7 फिर 6, यानी हम लोग देखेंगे दो दिन में हमें चेंज हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, दो दिन में कितना काम कर रहा है, दिन में 7 × 6 = 13, यानी 13 काम हो पा रहा है। हमें कितना निकालना है 84, तो 13 × 78 = 91, तो 78 तक आ रहा है, 7 × 13 = 91 काम तो ज्यादा हो रहा है, हम लोग 6 लेंगे, 13 × 78 कम लेंगे, और 84 से कम नहीं ले पाएंगे, 84 से ज्यादा तो ले नहीं पा सकते हैं, तो 84 से कम लेंगे, तो 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 91 होता है, यानी 13 × 6 = 78, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, हमारा कितना वर्क आ गया 78, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 की है, यानी 12 दिन में आपका 78 काम हो रहा है। तो कितना हमको काम करना है, 78 रिमेनिंग कितना है, तो 78 तो यानी 6 काम और, 6 काम हमारा रिमेनिंग है, 6 भी बच रहा है, तो फिर किसके पास जाएंगे, 78 काम वाला ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, यानी कौन लास्ट में क्या होना है, बी का लास्ट में, यानी 12 दिन में कौन होगा, बी होगा, तो बी 12 दिन में होगा, तो कौन 78 काम हो रहा है। अब कितना आएगा, 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन
ए आएगा, यानी ए है जो सात काम करता है, लेकिन काम उसको ए को करना कितना है, यानी काम करना है इसको छह काम करना है, लेकिन ए जो सात काम करता है उसको कहते हैं कितना काम कर पाएगा, यानी 6/7 काम कर पाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 दिन तो है 12 दिन और कितना काम कर रहा है प्लस में, प्लस में कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, ए है जो सात काम करता है लेकिन काम करना कितना है छह का, तो 12 और 6/7, तो अगर पेन यहां आप लोग समझ रहे हैं हम लोग 1 क्यों ले रहे हैं, तो 1 कैसे लेते हैं ये हम देखिए, यानी यहां 7 रहता 6 की जगह 7 रहता, ठीक है फ्रेंड, 6 की जगह 7 रहता, मान लीजिए तो हम क्या करते हैं 7/7 करते हैं ना, 7/7 करते हैं तो क्या आता 1 आ जाता ना, यानी 13 दिन पूरा हो जाता, यही क्या है टोटल जो वर्क हमारा 6 काम करता है और करता कितना है एक 7 काम करता है, यानी 6/7 इसको टर्न कर रहा है, वर्क को 12 दिन डे को कर रहा है, 6/7 डे को कर रहा है, अगर 7/7 आता तो 1 डे में पूरा काम कर लेता, यानी 6/7, तो फ्रेंड्स कितना आ गया 12 होल 6/7 डे, 12 होल 6/7, तो फ्रेंड्स क्या करते थे मल्टीप्लाई कर रहा था प्लस और सेम बात है 12 होल 6/7 डे, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपको तुरंत आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 60 और भी बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डे, ए है जो अकेला कितने दिन में काम कर पाता है 5 दिन में, और बी है जो 7 दिन में काम को कर पाता है अकेला, तो इफ दे वर्क फॉर अ डे 100 लीड रियल डे वाला क्वेश्चन है, इफ दे वर्क फॉर अ डे 100 यदि वे लोग 100 दिन में काम करें इन हाउ मेनी डे द वर्क बी फिनिश, काम है जो कितने दिन में समाप्त हो पाएगा, इफ ए बिगिन द वर्क, यदि ए काम को शुरुआत करे तो क्या होगा, पहला दिन कौन करता है ए, दूसरा दिन कौन करता है तो बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, जब तक काम समाप्त ना हो जाए, तो फिर क्या करना है लिख लेते हैं ए है जो कितना दिन में काम कर 5 दिन में अकेला, और बी 7 दिन में, कितना बी 7 दिन में, तब सबसे पहला काम क्या है टोटल वर्क निकालना, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 35, उसके बाद दूसरा काम क्या है आपका एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, एफिशिएंसी कितना आ गया 35 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 7, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 7 और बी का कितना आ गया 35 डिवाइड बाय 7 तो कितना आ गया 5, तो 5 यानी ए है जो पहला दिन 7 काम करेगा, बी 5 काम करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी 2 दिन में कितना हो रहा है 2 डेज में, 2 डेज में कितना काम हो रहा है तो 7 + 5 = 12, हमें काम कितना निकालना है 35 है, तो 12 किया 36, तो 36 ले सकते हैं यानी 24 लेना पड़ेगा, तो 12 × 24 यानी 24 काम हुआ कितना दिन में, इधर भी सुन अप्लाई कर दिए तो 4 दिन में 24 काम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, रिमेनिंग काम कितना बचा 35 हमारा है वर्क है और 24 हो गया 4 दिन में, रिमेनिंग कितना हो गया 35 - 24 कितना होगा 11, तो यहां हम लिख देते रिमेनिंग काम कितना हो गया फ्रेंड्स, रिमेनिंग 11 वर्क हो गया, अब कौन करेगा ए बी यानी बी तक हो गया 4 दिन में, उसका रिमेनिंग काम कौन करेगा जो अब कौन करेगा ए, पांचवा दिन में कौन करेगा ए, तो ए है जो कितना काम करता है 7 काम, यानी 24 वर्क तो हो गया और पांचवा दिन में कितना काम हो जाएगा 24 + 7 कितना हो जाएगा 31, तो अभी तक 31 लेकिन 35 काम कर रहा था, यानी 7 पांचवा दिन में कितना हो जाएगा 24 + 7 क्यों होगा क्योंकि अब ए कर रहा है पांचवा दिन, 4 का तो बी हो गया और पांचवा दिन ए कर रहा है, ये जो 7 काम करता है 4 काम बाकी है तो कौन करेगा 5 दिन आ गया 5 दिन आ गया तो कितना काम करना है 4 काम करना है इसको करना है बी को करना है लेकिन काम करता कितना है बी 5 काम करता है 1 दिन, तो 5 आ गया अब बी को करना है, बी कितना करेगा 4 काम कर रहा है, ठीक है 4 काम करना है बी को और काम करता कितना है 5, यानी कितना काम करेगा 4/5 वर्क करेगा, यानी आंसर आ गया 5 4/5
डेढ़, यानी पांच दिन तो पूरा, और बी जो कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, चार काम कर रहा है, फोर बाई फाइव वर्क कर रहा है। बी है जो अगर पांच काम करता है फाइव बाई फाइव, मतलब छह दिन पूरा काम करता है, लेकिन बी को करना कितना है, चार दिन काम करना है, लेकिन काम एक्चुअल में करता कितना था, पांच काम करता है, लेकिन काम बचा बस चार ही करने के लिए, यानी फोर बाई फाइव डेज। तो फाइव फोर बाई फाइव डेज आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं उसका ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है वो आपको बताते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक तो बताते हैं आपको, तो रब कर देते हैं आपको, रब कर देते हैं इसको। देखिए ट्रिक क्या है, यदि देखिए यहाँ क्या क्या हुआ, ये है जो कितना दिन में पांच दिन में, और बी है जो सात दिन में, तो दोनों देख रहे हैं कि ए भी पांच भी ओड है और सेवन भी ओड है, यानी ठीक क्या है ओड रहना चाहिए, और फिर रहना चाहिए क्या डिफरेंस दोनों के बीच कितना है, दो का है, पांच और सात डिफरेंस रहना दो चाहिए, पहला ओड रहना चाहिए, दूसरा डिफरेंस रहना चाहिए, डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। ये दो आपका मेन फुलफिल करना चाहिए, फुलफिल होगा तभी ओड रहना चाहिए और डिफरेंस रहना चाहिए। अब देखिए ए अगर स्टार्ट करेगा तो क्या करेंगे, ए अगर स्टार्ट कर रहा है तब का, ए अगर स्टार्ट कर रहा है तब का फॉर्मूला, और बी स्टार्ट करेगा तब का फॉर्मूला। देखिए ए स्टार्ट करेगा तब का, जब ए स्टार्ट करेगा तो है क्या कि ए स्टार्ट यहां पे ले लीजिए, ए स्टार्ट फ्रैक्शन में आकर ए स्टार्ट ले लीजिए, उसके बाद ए स्टार्ट माइनस 1, ए स्टार्ट ए का डेज, ए का डेज, ए का डेज माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए का डे, ए का डे। तो फ्रेंड्स यहां क्या खत्म हो जाती है, नॉन कंटेंट जो बन गई थी, ए भी तीन तरह होता है, देखिए ए स्टार्ट ए 5 आया, 5 आया, ठीक है फ्रेंड्स, ए माइनस ए ए का डे माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4 और डिवाइड ए का डे यानी कितना आ गया 5, ए का डे 5 5 ए का डे माइनस 1 4 डिवाइड बाय ए का डे कितना आ गया 5, 5 होल 4 बाय 5 आया था ना, देखिए आ गया। अब अगर B स्टार्ट करे तो क्या होता है, B स्टार्ट करे इसमें क्या करना है, A का डेज, A का डेज ठीक है, उसके बाद A का डेज प्लस 1, A का डेज प्लस 1 कर देना है डिवाइड A का डेज प्लस 2, A का डेज डिवाइड बाय A का डेज प्लस 1 डिवाइड बाय A का डेज ठीक है, उसके बाद देना है A का डेज प्लस 1, उसके बाद A का डेज प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, A का डेज कितना है फ्रेंड्स, A का डेज 5 है, प्लस 1 करना है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और प्लस 2 करना है, A का डेज प्लस 2 यानी 5 और 6 का 7 कब आएगा, जब आपका B स्टार्ट करे, A का स्टार्ट करने A का डेज A का डेज A का डेज माइनस 1 डिवाइड बाय A का डेज। तो फ्रेंड्स इस अल्टरनेट वाला जो ट्रिक हम लोग अपना रहे हैं, तो फ्रेंड्स कब है जब ओड रहे हैं डिफरेंस रहेगा, अगर दूसरा क्या सकता है इवन रहे और डिफरेंस टू रहेगा, तो फ्रेंड्स इस पे हम लोग अलग ही सेशन करेंगे कि पूरा आपको बताएंगे कि ओड रहे अच्छा समझाएंगे कि ओड रहे तो डिफरेंस टू रहे, और इवन भी हो सकता है, ए स्टार्ट करें बी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इस पे पूरा सेशन करेंगे इस अल्टरनेट वाले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, 8 भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, यदि आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।